हेलो गाइस, इट्स मी मुनीबा एंड वेलकम टू मुनीबास किचन। आज की रेसिपी है टेस्टी चिकन सैंडविचेस की। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चिकन मैरिनेशन के लिए मुझे चाहिए धनिया पाउडर 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, सॉल्ट 2 टीस्पून और जीरे का पाउडर 1.5 टीस्पून। योगर्ट ले लेते हैं जी 3 टेबलस्पून्स। तो अब आप इन सब मसालों को बोनलेस चिकन में, जो कि मैंने लिया है 500 ग्राम्स, मिक्स कीजिए, अच्छी तरह से मैरिनेट कीजिए और एक दिन के लिए फ्रिज में छोड़ दीजिए। आप चाहें तो कुछ घंटे तक भी इसे मैरिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जायका मैरिनेट करने से बेहतरीन हो जाता है। अब नेक्स्ट डे मैं एक पैन में लूँगी 3 टेबलस्पून्स ऑफ ऑयल और उसमें डालेंगे अपना मैरिनेटेड चिकन। ये चिकन बनने में तकरीबन 10 मिनट लेगा। आप चाहें तो इसे कुछ देर के लिए कवर करके रख दीजिएगा, क्योंकि हमें ये चिकन कुछ सॉफ्ट चाहिए। तो मेरा चिकन बनके तैयार हो चुका है। इसे निकालती हूँ एक बॉल में और आते हैं अपनी वेजिटेबल की तरफ, जिसमें है ग्रीन कैबेज, रेड कैबेज, थिनली स्लाइस्ड अनियन, पिकल्ड क्यूकम्बर, कुछ ऑलिव्स, थिनली स्लाइस टोमेटोज और कुछ कैप्सिकम। अब इन वेजिटेबल को रखते हैं एक साइड पे और बना लेते हैं अपना स्पाइसी सॉस, जिसके लिए मुझे चाहिए एक क्लीन बॉल। इसमें डालिए 1 कप मेयो और 1/4 कप चिली गार्लिक सॉस। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और बस हमारा स्पाइसी मेयो तैयार है। इन चिकन सैंडविचेस की तैयारी में टाइम तो लगेगा, लेकिन जब ये बनकर तैयार होगा तो आप कहेंगे कि मुनीबा ने कोई चीज़ तैयार करके दी है। तो जल्दी से लेते हैं एक सैंडविच बन और उसमें लगाते हैं 2 स्लाइसेस ऑफ चीज़। अगर आप चीज़ खाना नहीं पसंद करते तो बेशक नहीं लगाइएगा। 5-6 पीसेस ऑफ चिकन, ग्रीन कैबेज, रेड कैबेज, अनियन, पिकल्ड क्यूकम्बर, ऑलिव्स, टोमेटोज और कुछ कैप्सिकम। इस पे लगाते हैं कुछ स्पाइसी मेयो जो हमने तैयार करके रखा था और मज़ीद टेस्ट के लिए केचप। अब आप इसे अच्छी तरह से रैप कर लीजिए, साथ में ऑफिस लेके जाइए या बच्चों को स्कूल लंच के लिए दीजिए, क्योंकि ये चिकन सैंडविच बच्चों और बड़ों सबका फेवरेट होता है। अच्छा, अगर आपके पास घर में इतनी वैरायटी की वेजिटेबल ना मौजूद हों तो आप इसे सिंपल भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कैसी लगी आपको आज की रेसिपी और वो कौन सी डिशेस हैं जो आप चाहते हैं मैं आपके लिए बनाऊं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।